भाजपा के वरिष्ठ नेता व न्यू ज्वाइनिंग टोली के प्रदेश संयोजक डॉक्टर नरोत्तम मिश्र और प्रदेश कार्यालय मंत्री डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा के समक्ष सोमवार को कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण करी। कांग्रेस नेताओं के पलायन का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को खरगोन से वरिष्ठ कांग्रेस नेता नरेंद्र सिंह पटेल समेत सैकड़ों कांग्रेसियों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सभी को भाजपा का अंगवस्त्र पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि बुरहानपुर में कांग्रेस पार्टी संगठन विहीन हो चुकी है। जिस विचार पर कांग्रेस पार्टी पहले काम करती थी वह विचारहीन हो चुका है। पटेल जी के पिताजी दो बार विधायक रहे और दादाजी और इंदिरा गांधी का मंदिर बनवाया था। हाँ, मंदिर बने। आप विचार देखिए कितना विचार, कौन से व्यक्ति थे, कैसे विचार को छोड़कर आया। वजह तो बहुत सारी, क्या बताएं आपको, जो संगठन में काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी, आप संगठन बिल्कुल निष्क्रिय हो चुका है, गति से बिल्कुल विचारहीन हो चुका है। जिस विचार पे कांग्रेस पार्टी पहले काम करती थी वो विचार बचा नहीं है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी देश हित में काम कर रही है, प्रदेश हित में काम कर रही है, उसको लेकर हम लोग ने ज्वाइन किया। लोकसभा चुनाव में हमारा क्षेत्र पूरा ट्राइबल का होता है, जहाँ पे ये मान के चले खंडवा लोकसभा में एक विधानसभा विकनगांव होती है। विकनगांव विधानसभा में दो ब्लॉक है, जिरनिया ब्लॉक पूरा ट्राइबल का ब्लॉक है। और उस ट्राइबल ब्लॉक में कम से कम 15,000 की लीड कांग्रेस हमेशा लेती है। और वर्तमान में 3 बार से विधायक वहाँ पर, वर्तमान में विधायक कांग्रेस की है। लेकिन हम जिस हिसाब से काम के संगठन के लोग काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।